एक बार एक कवि हुआ करता था जो बहुत गरीब था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। एक दिन उस कवि ने सोचा कि इस गांव में एक राजा रहता है, मैं उसके पास जाकर अपनी कविताएं सुनाऊंगा और उसको अपनी मदद के लिए बोलूंगा। कवि इसी सोच में अपने घर से निकल पड़ता है और जो वो महल के द्वार तक पहुंचता है तो महल के जो सैनिक होते हैं उसको रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं। कवि बताता है कि मैं कवि हूँ और मैं यहाँ राजा को अपनी कविताएं सुनाने आया हूँ। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा उस कवि को महल में आने की अनुमति दे देता है। कवि महल में आ जाता है और अपनी कविताएं सुनाने लगता है। राजा उसकी कविताएं सुनकर बहुत खुश होता है और उस कवि को अपना इनाम मांगने के लिए बोलता है। कवि ये सुनकर बहुत खुश होता है और उसकी नज़र शतरंज की तरफ पड़ती है जो राजा के बरावन में रखा होता है। और वो राजा को बोलता है कि महाराज, अगर आप शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखते चले जाएं और हर खाने में उसको दुगना करते चले जाएं, तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरा इनाम मिल गया है। जब ये बात राजा और महल के और लोग सुनते हैं तो वो उस कवि पर बहुत हंसते हैं और हंसते हंसते उससे पूछते हैं कि बस चावल का एक दाना, सोना चांदी कुछ नहीं। तो कवि बोलता है, जी महाराज, चावल का सिर्फ एक दाना। राजा अपने दरबारियों को आदेश देता है कि फिर ऐसा ही हो। तब दरबारियों ने चावल के दाने रखना शुरू कर दिया। पहले खाने में एक, दूसरे खाने में दो, तीसरे खाने में चार, चौथे खाने में आठ, और ऐसे ही वो रखते चले गए। और जब वो दसवें खाने में आए तो संख्या 512 हो गई थी। और ऐसे ही करते करते जब वो बीसवें खाने में आए तो संख्या 5,24,228 हो गई। और जब वो शतरंज के आधे हिस्से तक पहुँचे तो संख्या 214,74,83,648 हो गई। और जल्दी ही ये संख्या अरबों खरबों में बदल गई और अंत तक राजा को अपना सारा राज्य उस चतुर कवि को सौंपना पड़ा जिसकी शुरुआत चावल के एक दाने से हुई थी। यस गाइस, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8th वंडर है। अगर हम गौर करें तो हमारी लाइफ भी इसी कंपाउंडिंग के ऊपर बेस्ड है। हमारी जितनी भी हैबिट्स बनती हैं सब कंपाउंडिंग का ही कमाल है। सो गाइस, इस पूरी वीडियो का जो सार है वो है डेवलप द टिनी हैबिट्स। यस, हमें छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करनी है जो बाद में कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकती है हमारे लिए। अगर हम एक्सरसाइज करने का सोचते हैं तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें 5 मिनट से शुरू करना है। अगर हमें बुक्स पढ़ने की हैबिट डालनी है तो ज़्यादा पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है एक बार में, सिर्फ एक पेज पढ़ना है। अगर हमें मेडिटेशन करना अगर हम चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट अपने आप बिठाना है। अगर हमें अपने पैसे को सेव करना है तो छोटी छोटी इन्वेस्टिंग करनी है। अगर हमें कोई न्यू स्किल्स डेवलप करना है तो थोड़ा थोड़ा उस स्किल्स पर काम करना है। देन कुछ मंथ बाद आप देखेंगे कि आपका छोटा सा स्टेप जो आप शुरू किए थे कंपाउंडिंग की हेल्प से इतना बड़ा बन गया कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि ये हुआ क्या। यस गाइस, इसे ही बोलते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और यही कंपाउंडिंग है जिसने राजा का इतना बड़ा साम्राज्य छीन लिया जस्ट एक चावल के दाने की वजह से।